हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स इसादिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट बता रहा उनके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके मन में कई सारे बड़े सवाल पैदा हो रहा है और कन्फ्यूजन आ रहा है कि जो है चार मेनली जो स्पेशली जो उनके मन में सवाल आता है, कन्फ्यूजन आता तो वो यही है कि पहले फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया था जब उन्होंने लास्ट टाइम जब चेक किया था, एप्लीकेशन स्टेटस जारी की गई थी रेलवे के द्वारा, जब उन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया था तब जो है उनका फॉर्म एक्सेप्ट बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट बता रहा है। दूसरा सवाल यह है कि एनटीपीसी में एक्सेप्ट किया गया लेकिन ग्रुप डी में रिजेक्ट, मतलब कि जो फोटो और सिग्नेचर एनटीपीसी में कैंडिडेट द्वारा लगाया गया था वही फोटो और सिग्नेचर ग्रुप डी में भी लगाया गया था, लेकिन जो है एनटीपीसी में एक्सेप्ट किया गया था उसके बाद जो है ग्रुप डी में रिजेक्ट किया गया था, ऐसा क्यों? उसके बाद फॉर्म को रिजेक्ट हो गया, जो अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप क्या करें, वो कैंडिडेट्स आप क्या करें, क्योंकि वो तो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम के मतलब कि शेड्यूल का और एग्ज़ाम की डेट का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहीं पर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो क्या करें? उसके बाद क्या फॉर्म से फिर से जो है मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा? तो मतलब कि ये फॉर्म जिनका भी रिजेक्ट बता रहा है तो उनके लिए क्या मॉडिफिकेशन लिंक यहाँ पर मिल सकता है रेलवे के द्वारा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले कि जो है ग्रुप डी का सेकंड फेज जो जिसका सीट इंटीमेशन आने वाला है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आपको देनी है, क्योंकि इसका जो है लिंक को अपडेट किया जा रहा है और सीट इंटीमेशन आपका जो है यहाँ पर जल्दी ही जारी किया जाएगा, क्या स्टेटस शो कर रहा है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, खासकर जितने भी कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया गया, उनके रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि पहले फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया था लेकिन आप जो है देखने पर फॉर्म को रिजेक्ट बताया जा रहा है कि आपका जो है फॉर्म को यहाँ पर फोटो या फिर सिग्नेचर की वजह से यहाँ पर रिजेक्ट बताया जा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करें? तो ऐसे ऐसा इसलिए बता रहा होगा दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि आपने जब लास्ट टाइम पर जब चेक किया हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट इसलिए बता रहा होगा क्योंकि जब लास्ट टाइम पर जब रेलवे के द्वारा जब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस जो है चेक करने की लिंक दी गई थी तो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कई सारे कैंडिडेट्स का जो है फॉर्म को एक्सेप्ट बताया जा रहा था, लेकिन वहीं पर बाद में उन्होंने चेक किया तो रिजेक्ट बता रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का अभी रिजेक्ट बता रहा है, पहले जो स्टेटस उनका जो है एक्सेप्ट बता रहा था लेकिन अब जो है रिजेक्ट बता रहा है, तो हो सकता है कि जब लास्ट टाइम पर जो लिंक एक्टिवेट की गई थी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की तो सर्वर प्रॉब्लम में आपने जो है फॉर्म को देखा होगा तो उस टाइम जो है एक्सेप्ट बता रहा था, उसके बाद आपने चेक नहीं किया होगा, लेकिन जब कल से इसको मॉडिफिकेशन लिंक को एप्लीकेशन स्टेटस की जो लिंक को जो एक्टिवेट किया गया तो हो सकता है आपने जब चेक किया तो आपको जो है रिजेक्ट बता रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम जब दी गई थी एप्लीकेशन स्टेटस तो सर्वर प्रॉब्लम ने आपने चेक किया होगा तो एक्सेप्ट बता रहा था, लेकिन बाद में चेक करने पर ये रिजेक्ट बता रहा है, आपने उस टाइम पे चेक नहीं किया होगा, कल ही आपने फिर रिजेक्ट मतलब एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया होगा तो आपको रिजेक्ट बता रहा होगा। तो मे बी ये कारण हो सकता है आपका कि उस टाइम पर आपने एक्सेप्ट देख लिया लेकिन अब जो है फाइनली उनका डिसीजन आया था कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ से आपको समझ में आया। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी में जो फॉर्म फोटो और सिग्नेचर लगाए गए थे वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे, लेकिन वही फॉर्म और फोटो और जो सिग्नेचर ग्रुप डी में लगाए गए थे वहाँ पर रिजेक्ट क्यों हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा रेलवे ने बताया था कि उनके कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम की वजह से जो है यहाँ पर ऐसा हो चुका था कि जो है यहाँ पर उनको एनटीपीसी में एक्सेप्ट किया गया था ग्रुप डी वाले छात्रों को, वहाँ पर ग्रुप डी में मतलब उनके फॉर्म और सिग्नेचर वगैरह की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है मॉडिफिकेशन लिंक यहाँ पर दे दी गई थी। मॉडिफिकेशन लिंक मतलब कि एक बार जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की यहाँ तक के अभी तक के ये मान के चलिए टोटल तीन बार जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की आपको लिंक दी जा चुकी है, जिसमें से आपको दो बार जो है मॉडिफिकेशन लिंक दी जा चुकी है, दो बार आप जो है मॉडिफाई इसको कर सकते थे। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया था जब जो है सही कई सारे कैंडिडेट्स ने देखा था कि उनका फॉर्म एनटीपीसी में एक्सेप्ट किया गया था लेकिन ग्रुप डी में रिजेक्ट हुआ था, वहीं पर जब उनको मॉडिफिकेशन की लिंक दी गई थी तो कई सारे कैंडिडेट ने मॉडिफाई किया, उनका फॉर्म फिर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म यहाँ ग्रुप डी में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक और बार मॉडिफिकेशन लिंक दी गई क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे कैंडिडेट्स द्वारा जो है कोर्ट केस किया गया था, तो वहाँ पर रेलवे ने फिर से एक मौका दिया था कि आप अपना जो है फोटो या फिर सिग्नेचर या जिसकी भी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वहाँ पर आपको उसको मॉडिफाई करने की अनुमति दी गई थी और उसको लिंक दी गई थी आपको मॉडिफाई करने के लिए। तो हो सकता है जितने भी कैंडिडेट्स का मतलब एनटीपीसी में एक्सेप्ट हुआ था ग्रुप डी में रिजेक्ट हुआ था तो किन्हीं कारणों से तो बाद में उन्होंने जो है मॉडिफिकेशन के टाइम उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया हो, तो हो सकता है इसी वजह से अभी जो उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ही बता रहा होगा। दोस्तों अब यहीं पर आप बात कर लेते हैं कि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो अब क्या करें। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा मानना है कि देखिए आरआरबी ने आपको जो है दो बार मॉडिफिकेशन लिंक दे चुकी है तो यहाँ पर आपका अब कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ना कोई मतलब आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए या फिर आपके लिए जो है फिर से मॉडिफिकेशन लिंक दी जाए, लेकिन कहीं पर देखिए ये भी है कि यूथ की जो पावर होती है वो बहुत ही
पावरफुल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप अगर रेलवे को मेल करें तो मेल करके अगर आप उनको जागरूक कर सके तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर रेलवे जो है अपनी तरफ से एक और बार मॉडिफिकेशन लिंक दे दे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर बीच एग्ज़ाम में जो है अभी RRB के ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल ही रहे और यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन लिंक देना मतलब यहाँ पर थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है रेलवे का। लेकिन आप चाहे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या फिर से मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर दो बार अभी तक रेलवे ने मॉडिफिकेशन की लिंक दे चुकी है, तो वो तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मॉडिफिकेशन लिंक देगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो है RRC ग्रुप बी के एग्जाम्स कंडक्ट किया जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इफर्ट लगाए, कई सारे कैंडिडेट्स अगर रेलवे के लगातार मेल करें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अगर मेल करें, मैसेज करें, सारी चीज़ें करें, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई ना कोई पॉजिटिव अपनी तरफ से रिस्पांस देखने को मिल सकता है रेलवे की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है कि रेलवे यहाँ पर जो है आपको मॉडिफिकेशन लिंक देता है या नहीं, क्योंकि आपको जो है हम सभी जो आपके साथ है और आपके साथ ही मतलब कि आप लगातार जो है आपके साथ जो है मेल करेंगे रेलवे को कि जो है जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उनको फिर से एक बार मौका दिया जाए, ऐसा हो सके। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर इसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि RRC ग्रुप डी के सेकंड फेज़ के एग्जाम की जो सीट इंटीमेशन आज आने वाले थे, आज 18 तारीख है, तो यहाँ पर उनका सीट इंटीमेशन जारी हुआ है ना, लिंक क्या है अपडेट दे रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इस लिंक पे आ चुके हैं CNRRB भोपाल की वेबसाइट पर CNRRC 01/2019 13 अगस्त को जो क्लिक है फॉर ई कॉल लेटर ऑफ CNRRC 01/2019 CBT Phase 1, मतलब कि ये ई कॉल लेटर की जो लिंक है यहीं पर आपको क्लिक करके अपना सीट इंटीमेशन सेकंड फेज़ वाले भी देख सकते हैं। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो करा है कि लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली, मतलब कि यहाँ पर जो है सेकंड फेज़ के जो सीट इंटीमेशन है वहाँ पर वो जो है इस लिंक पर अपडेट किया जा रहा है। तो मे भी चांस है कि आपके जो है दोपहर में 2 से 3 बजे तक यहाँ पर आपकी जो है सीट इंटीमेशन सभी कैंडिडेट्स की जारी कर दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सेकंड फेज़ वाले, वो हो सकता है 1 से 1.5 घंटा आपको जो है वेट करना पड़े। तो ये मान के चले कि 1 से 1.5 घंटे बाद आपका जो है वेट ओवर होने वाला, 2 से 3 बजे के लगभग आपका जो है यहाँ पर एग्जाम का सिटी इंटीमेशन सेकंड फेज़ का जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम फिलहाल इतना रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।